सम्राट राइस मिल को कूर किया गया है। आगे यदि ये अपना बकाया देते नहीं है तो आगे इसकी नीलामी की कार्रवाई नियमानुसार करी जाएगी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनावों में भले ही सपा को करारी हार मिली हो, लेकिन कुछ एक सीट्स ऐसी रही जिस पर सपा उम्मीदवारों ने अपना परचम लहराया। कुछ प्रत्याशियों ने तो जेल से चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। ऐसी ही एक सीट रही कैराना, जहां से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को टिकट दिया था। नाहिद गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है। जेल में होने के बावजूद नाहिद ने चुनाव जीता और विधायक बने। हालांकि उन्हें जीत जरूर मिली, लेकिन योगी सरकार में मनमानी करने की आजादी नहीं। यही वजह है कि गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद नाहिद पर लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। जी हां, खबर मिल रही है कि सपा विधायक नाहिद हसन को सीएम योगी ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल नाहिद की राइस मिल को कुर्क कर दिया गया है। ये कार्रवाई मंडी समिति को टैक्स जमा नहीं करने के बाद की गई। बताया जा रहा है कि मिल पर 16 लाख रुपए का मंडी समिति टैक्स बकाया था। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर कुर्क कर दिया। सम्राट राइस के नाम से चल रही इस मिल को कुर्क किया गया और उसके बाद एक नोटिस चस्पा कर दिया गया। इस नोटिस में लिखा है कि आप भू राजस्व की राशि या वसूली योग्य बकाया भू राजस्व को जमा करने में असफल हुए हैं, इसलिए सूचित किया जाता है कि संपत्ति जब्त कर ली गई है और आपको आगे से इस संपत्ति के ट्रांसफर, बिक्री और दान से रोका जाता है। अन्य किसी व्यक्ति को भी इस संपत्ति की बिक्री, दान या अन्य रूप में प्राप्त करने से रोका जाता है। हालांकि जैसे ही प्रशासन ने राइस मिल पर यह कार्रवाई की, तुरंत ही नाहिद हसन की बहन इकरा ने मंडी समिति के बकाया 16 लाख रुपए जमा करा दिए। इकरा ने इस पर सफाईनामा पेश किया और कहा कि चुनाव में व्यस्तता के कारण वो ये पैसे जमा नहीं करा पाई थी। मंडी समिति से थोड़ा वक्त मांगा गया था, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। हालांकि पैसे जमा होने के बाद भी एसडीएम की तरफ से कहा गया है कि मंडी समिति से एनओसी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। योगी का डंडा सिर्फ नाहिद हसन पर ही नहीं, बल्कि अवैध निर्माण या कब्जा करने वाले हर बाहुबली पर चल रहा है। यही वजह है कि योगी का खौफ साफ दिख रहा है। बहरहाल, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। राइस मिल कैराना के विरुद्ध एक आरसी तहसील पे प्राप्त हुई थी, लगभग 16 लाख की मंडी समिति की आरसी है, जो तहसील पर वसूली के लिए अनुरोध से प्रेषित करी गई थी कि इसका आरसी जारी करके इसकी वसूली की जाए। इसी क्रम में एसडीएम कैराना और तहसीलदार ने इसकी जांच करी और क्योंकि ये बकाया था और काफी समय से इसका पेमेंट नहीं किया गया था, इस वजह से इसमें कुर्की की कार्रवाई आज एसडीएम द्वारा करी गई है और सम्राट राइस मिल को कुर्क किया गया है। आगे यदि ये अपना बकाया देते नहीं है तो आगे इसकी नीलामी की कार्रवाई नियमानुसार करी जाएगी।